जैसे हम मशीन ऑन करते हैं, अभी जैसे मैंने इसकी सेटिंग अपने हिसाब से रखी हुई थी, वैसे डिफॉल्ट सेटिंग जो आती है वो ये रहती है 4444। अब जैसे हमको स्टार्टिंग में अगर स्विच लॉक करना है तो ये फंक्शन रहता है, इसको हम जैसे ये कर देते हैं तो स्टार्टिंग के दोनों टाके लॉक होते हैं, सिर्फ स्टार्टिंग के। और अगर हमको एंडिंग के भी करने हैं तो ये दोनों बटन दबाते हैं तो एंडिंग के भी टाके लॉक होते हैं। अभी मुझे सिर्फ स्टार्टिंग के लॉक करने हैं और स्टार्टिंग के मुझे दो दो टाके लॉक करने हैं, तो मैं इसकी सेटिंग यहाँ पे रखूँगा। उसके बाद मैं जैसे मैं मशीन को स्टार्ट करता हूँ तो ये स्टार्ट नहीं होगी, जैसे पैडल यहाँ पे दिखेगा, पैडल का ऑप्शन लिख जाता है, इसको एक बार बैक प्रेस करके फिर अब इसको जैसे हम स्टार्ट करते हैं, जैसे आपका हो गया स्टार्टिंग के, इसको हम बैक पैडल करेंगे तो ट्रैक ट्रिम होके बाहर आ जाएंगे। जैसे हम चेक करते हैं तो ये स्टार्टिंग के दो टाके से लॉक किए। अब मुझे स्टार्टिंग और एंडिंग अगर दोनों लॉक करना है तो मैं यहाँ पे एंडिंग के ये ऑन करूँगा और मुझे एंडिंग में तीन तीन टाके लॉक होना, तो मैं इसको ऑप्शन को तीन पे रखूँगा, फिर पहले के दो और एंडिंग के तीन तीन टाके लॉक होंगे और मेरा ट्रिमर फंक्शन ऑलरेडी ऑन है। अब जैसे आप देखते हैं स्टार्टिंग के लॉक हुए, हमें एंडिंग में है, एंडिंग में आने के बाद में हमने बैक पैडल किया और आखिरी के तीन टाके लॉक होके ये हो गया। अभी जैसे आप देखेंगे एंडिंग में तीन टाके लॉक हुए और स्टार्टिंग में दो टाके लॉक हुए, ये बेसिक फंक्शनलिटी रहती है इसकी। अगर मेरे को स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों में लॉक नहीं होगा तो ये जैसे मैं फंक्शन ऑफ कर दूंगा और स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों टाइम पे लॉक नहीं होगा, सिर्फ ट्रिमर का फंक्शन काम करेगा, सिर्फ धागा काटने वाला। जैसे आपने देखा ना लॉक हुआ स्टार्टिंग में ना एंडिंग में, सिर्फ ट्रिम का फंक्शन काम किया। अगर मुझे अगर ट्रिमर का भी फंक्शन ऑफ करना है तो यहाँ पे जो ये कैची का साइन बना हुआ रहता है इसे प्रेस करते हैं, ट्रिमर का फंक्शन भी ऑफ हो जाता है। अभी जैसे हम मशीन चलाएंगे तो ये बस सीधे सीधे चलेगा और हम इसको बैक पैडल करेंगे तो सिर्फ सुई ऊपर होगी, धागा नहीं कटेगा। ये झुकी 7000 ओ की आपकी बेसिक फंक्शनैलिटी। अब इसमें स्पीड कम ज़्यादा करने का फंक्शन यहाँ से रहता है, 4000 RPM की आपकी स्पीड है और इसको हमेशा ओके करने के बाद यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तभी वो स्पीड का फंक्शन लॉक होता है।